तो गाइस आज हम लोग सब्सक्राइबर के अकाउंट पे निकालने वाले ये खतरनाक सी बंडल असंभव। एंड गाइस आप लोग सोच रहे हो कि एमडीएस भाई ये हमारे सर्वर में कब अवेलेबल हो गया, भाई ये हमारे सर्वर का है ही नहीं। तो गाइस आज जिन सब्सक्राइबर का अकाउंट को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, ही इज फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा, एंड भाई ने एक प्यारा सा वीडियो भेजा, चलो यार देख लेते हैं उस वीडियो में भाई ने क्या कहा है। एंड हाँ, वो बंगाली है तो हिंदी उतनी अच्छे से जानते नहीं है, बट स्टिल यार भाई ने क्या मैसेज दिया है, चलो पहले उसको देख लेते हैं। हेलो, वेलकम टू माय YouTube चैनल गाइस। एमडीएस भाई, मुझे आपका विनर कर लेके लिए बहुत शुक्रिया भाई। मेरा नाम है सुमन, मैं बांग्लादेश से हूँ। आपके वीडियो मैं रोज देखती हूँ। मुझे इलाइट पैच चाहिए, जान रिमोट चाहिए और आपका जो मून चाहिए वो निकल के दे दूँ। ओके, एंड उन सभी लोगों को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए एंड हमारी वीडियोस डेली देखते हैं। और हाँ, अगर आप लोग हमारी वीडियोस डेली देखते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, खूब मजे करते हैं हम। कर लो यार, दिल से बुरा लगता है यार, कर लो भाई। एंड हाँ गाइस, आप लोगों को पता होगा हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, तो यार एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लेना और इस वाले घंटे को जरूर से जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की जा पाए। तो गाइस सबसे पहले आप लोग परचेस करने वाले फायर पास, जैसे कि भाई ने कहा था कि एमडीएस भाई सबसे पहले हमें एलीट पास चाहिए, तो चलो जल्दी से एलीट पास को अनलॉक करके दे दिया जाए। वैसे इस सीजन का एलीट पास ना बहुत ज्यादा बेकार है, एंड पता नहीं ये हर वीडियो में भाई क्यों बोलता हूँ, सीरियसली यार कुछ ज्यादा ही बेकार है यार। एंड ये एलीट पास पता नहीं कब जाएगा, मैं तो बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ ये एलीट पास कब जाए एंड इसके बदले कौन सा एलीट पास अवेलेबल होगी वो भी देखेंगे। तो यहाँ से ओके, ये क्रेट भी मिला हुआ है क्या, चलो पहले इसी को ओपन करते हैं, मैजिक क्यूब क्रेट। और ये ले भाई, यही देखने के लिए हम लोगों ने मैजिक क्यूब क्रेट ओपन किया था, नल्लो। चलो गाइस बाकी जितने भी आइटम है सबको फास्ट एक्टिव कर लेते हैं। और यहाँ से ये नीचे में ओके, ये फीमेल की बंडल मिली होगी, ओके ओपन कर लेते हैं। और यहाँ से मिल चुका है वीएसएस का स्किन, एंड हमें क्या मिला है, ओके सरबोट की स्किन मिल चुकी है हम लोगों को, नॉट अ बैड डील। और यहाँ से मिलेगी पटाखे की स्किन, ये ग्रेनेड की स्किन के अलावा कुछ भी अच्छी नहीं है इस एलीट पास के अंदर। मेल का बंडल तो भाई मतलब क्या ही बोले, इतने अच्छे कि भाई कुछ कहना ही नहीं यार, इससे अच्छा तो भाई हम गोल्ड रॉयल का बंडल पहन ले, गजब बेइज्जती है। ऐसा मेल का बंडल निकल कर सामने आया है। और यहाँ से मिल चुका है ये टट्टी सा मेल का बंडल। बिल्कुल चुप। चलो खैर, भाई का डिमांड था एलीट पास चाहिए थी, तो भाई को अपन लोगों ने एलीट पास निकाल कर दे दिए। अब बारी है लकरोयल के अंदर जाने की। अब इसका वेपन कहाँ गया भाई, अलग दस रहते यार कहीं वालों के। चलो गाइस यहाँ से अपन लोग निकालने वाले इस कमाल के बंडल को। एंड क्या लगता है आप लोगों को, क्या हम लोग ये लास्ट में बंडल मिलेगी या फिर सब्सक्राइबर कलर कितना अच्छा है कि हम लोग ये बंडल पहले या फिर दूसरे स्पिन में मिलेगी, लेट्स गो। चलो देखते हैं ऐसे क्या होता है। और ये पहले स्पिन लगी, मैं स्किप करने वाला हूँ। और हमें मिला है यार ये टट्टी भाई, ये नहीं चाहिए था। एक और बैट स्पिन किया हम लोगों ने और बैकपैक मिली हुई, चलो नॉट अ बैड डील। अब गाइस यहाँ पर अगर इस वाले स्पिन पे बंडल मिल गई ना, मजा आ जाएगा। और ये मैं करने वाला हूँ स्किप। अरे यार बंडल क्यों नहीं देते यार गैना वाले, ये बहुत बुरी बात है यार। डायमंड रॉयल में निपटा दिया, अब तो यार तीन ही आइटम बचे हुए। एंड इस बार अगर बंडल नहीं, चार आइटम है, तीन आइटम नहीं, अब तीन आइटम बचे हुए। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके ओके, बंडल। अरे भाई नहीं, ये गलत सीन हुआ गाइस। ओके गैना वालो प्लीज देखो भाई, मजाक मत करना, आप बंडल दिला दो, ये टट्टी सी स्किन हमें नहीं चाहिए, टट्टी सी स्किन। अरे यार वही देंगे भाई, ये लास्ट में देने वाला कांड पता नहीं है गैना वाले कब खत्म करेंगे। बाय द वे ये जो बंडल है फेडेड विल के अंदर लिटरली बहुत ज्यादा होती है। चलो अपन कर लेते हैं, एंड कर लेते हैं फास्ट एक्सपी। भाई जरा देखो तो हमारे वुकोंग चाचा के ऊपर क्या ही जबरदस्त लग रहे हैं ये बंडल, बवाल चीज है बे। एंड डायमंड टॉप अप इवेंट से ये दोनों रिवॉर्ड को तो अपन लोगों ने लिया ही नहीं था। चलो एक और एपिक इमोट भाई के अकाउंट पे ऐड हो चुकी है, ओके इमोट इज फुल। अरे हाँ एक और चीज गाइस हम लोगों ने देखा नहीं, भाई के पास कौन कौन सी वेपन की स्किन, एक बार मैं कलेक्शन में देख लेता हूँ ताकि हमें आगे जाके परेशानी ना हो एंड हम लोग वही वेपन की स्किन निकाल पाए जो हमें एक्चुअल में चाहिए। ओके ये सारे के सारे स्किन भाई के पास परमानेंट है, चलो ठीक है। अब हमें ये तो समझ में आ गया एटलीस्ट कि हमें क्या क्या निकालनी है। एंड एक और चीज गाइस मैं भूल गया, यहाँ पर एयर ड्रॉप भी आया हुआ है, पता नहीं यार ये इतने टट्टी से एयर ड्रॉप गैना वाले कैसे देते भाई, सिर्फ तो आती नहीं भाई, 100 डायमंड हो भी 30 रुपए में, अबे कम से कम 1000 डायमंड देते तो मजा आता। ओके तो गाइस ये गड़बड़ हो गई है यार, मैंने एयर ड्रॉप तो परचेस कर लिया लेकिन वो गया कहाँ पता ही नहीं। एक सेकंड में वर्ल्ड वाले सेक्शन पे चलता हूँ, अदर वाले सेक्शन पे चलते हैं क्या यहाँ पर, ओके यही है क्या, ओके यही है भाई। यार ये एक तो फुद्दू सा एयर ड्रॉप है, पता नहीं कहाँ खो जाता है यार। चलो गाइस अपन कर लेते हैं, एंड ये सारे पेट और पेट के स्किन के साथ हम लोग को मिल चुका है 100 डायमंड, चलो ठीक है ओके कर लेते हैं। टट्टी सा पेट कॉल लेगा यहाँ पर, ओके फुद्दू से पेट एंड थोड़े से डायमंड को टॉप करने के बाद अब हमें क्या परचेस करनी चाहिए। गाइस हम लोग स्टोर सेक्शन पे चलते हैं, मे बी स्टोर सेक्शन के अंदर कुछ अच्छी से मिल
रही हो डेली स्पेशल में। ओके यहाँ पर चलते हम लोग। ओके डेली स्पेशल पे ये हमें इमोट मिल रहा है जो कि इतना कुछ खास नहीं है। ओके यहाँ पर MP40 अवेलेबल है और यहाँ पर दोनों ही वेपन की स्किन भाई के पास नहीं है। चलो गाइस ट्राई करते हैं, क्या पता यहाँ से हम लोग को एटलीस्ट एक वेपन की स्किन परमिट मिला है। वैसे भी गिरने वाले ऑलमोस्ट सारे सब्सक्राइबर के अकाउंट पे दे ही देते हैं। चलो देखते हैं भाई का लग कैसा है। एंड यहाँ पर लोग वेपन करने वाले, नहीं मिला भाई, नहीं मिला यार। ये MP40 की स्किन तो परमिट नहीं मिली, लेकिन इसके बदले ये हम लोग को परमिट मिल चुकी है। चलो ठीक है, एक वेपन की स्किन तो एटलीस्ट परमिट मिली। अब बारी है इसकी। एंड क्या लगता है गाइस, ये स्कॉर्चिंग सैंड्स वाली M4A1 की स्किन मिलेगी भाई के अकाउंट पे परमानेंट? चलो देखा जाए। नहीं नहीं ये गलत बात है, 7 डेज के लिए मिली है, 3 डेज के लिए मिली है और हक दिया भाई, गलत सीन हो गया गाइस। यहाँ पर स्कॉर्चिंग सैंड्स की M4A1 की स्किन परमानेंट नहीं मिली, वरना ये बहुत सही M4A1 की स्किन थी। यार एक चीज शायद से हम लोग भूल रहे, ये कौन सा इवेंट था अभी तक मैंने चेक नहीं किया है। ओके यार ये तो वही फिस्ट की स्किन है जो कि उस दिन मैंने निकाली थी भाई, पाकिस्तान के सर्वर में ये अवेलेबल हुआ था, यहाँ पर भी आ गया क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एम्बर फिस्ट की स्किन लिटरली गाइस इतनी ज्यादा एपिक है ना, ये फिस्ट की स्किन मैं बता नहीं सकता। एंड अगर ये फिस्ट की स्किन भाई के अकाउंट पे परमिट मिल गई तो भाई मेरे से ज्यादा कुछ मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं होगा। बहुत सही, लिटरली अब तक की सबसे एपिक फिस्ट की स्किन ही निकल कर सामने आई है। और ये क्या दे रहे अभी 5-5 टोकन, पागल है क्या गाइना वाले भाई? 5-5 टोकन दे रहे यार। उर्री बैकपैक तो देखो, क्या ही एपिक सी बैकपैक निकल कर सामने आई है यार। ये तो मेरे को चाहिए गाइस, कम ऑन फिस्ट की स्किन दिला दो गाइना वालों, ये गलत सीन है भाई। अबे 10-10 टोकन दे रहे गाइस, 10-10 टोकन तो ठीक है, लेकिन 5-5 टोकन मत, 5 टोकन मत देना यार भाई, ये गलत सीन है गाइस। ओके यहाँ पर रॉयल वॉचर्स, एंड इस क्रेट के अंदर से क्या मिलेगा ये हमें भी नहीं पता है। रैंडम हेड गियर में भी हेड पार्ट में कुछ मिल जाए 30 हम लोग को। ओके 50 हम लोग को मिल चुके टोकन, एंड 50 टोकन से ये शायद से ग्रेनेड की स्किन है, ये हम लोग ले सकते हैं। लेकिन ग्रेनेड की स्किन हमें नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए एम्बर फिस्ट। अरे यार मेरे को लगा भाई ये जो एरो है ना फिस्ट के स्किन पे जाके लगा है, अभी मेरे को ऐसा लगा, बट चलो कोई ना यार। ये 5-5 टोकन देते बहुत गलत करते यार, एटलीस्ट 10-10 टोकन दो ना। और यार एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, 500 सीरियसली 500 स्टार टोकन कलेक्ट करने पड़ेंगे क्या इस बंडल के लिए? यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया गाइस? चलो एक और बार आप लोगों ने स्पिन किया है, एंड इस बार भाई फिस्ट की स्किन पिछले बार हम लोगों को कितने सस्ते में मिला था यार, जब मैं पाकिस्तान के सर्वर में स्पिन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो भाई कांड पे कांड हुए जा रहा है। ये गलत सीन है गाइस, लिटरली बहुत गलत सीन है। और यहाँ पर हमें मिला है बस यही फुद्दू आइटम। एक स्पिन करते यार, मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगा, एक स्पिन हो चुका है, 3 बार एक एक स्पिन करते हैं, एंड एक ही बार 5 स्पिन करेंगे, एंड देखते हैं क्या हम लोग को इस एक्सपेरिमेंट में रेयर आइटम मिलती है या नहीं मिलती है। ये बढ़िया था गुरु। तो 3 बार एक एक स्पिन हो गया, अब ना अब अपन लोग करने वाले 5 की डायरेक्ट एक स्पिन, एंड देखते क्या ये एक्सपेरिमेंट काम आती है। नहीं यहाँ पर अभी तक हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है, और टोकन लिटरली कितना धीरे धीरे कलेक्ट हो रहा है। 500 टोकन कलेक्ट करने में लिटरली हमारी जान निकलने वाली है। और यहाँ से अभी मैं कैरेक्टर चेंज करने वाला हूँ। वुकोंग चाचा आप रेयर आइटम नहीं दिला सकते, ये आपकी बस की है नहीं। ये क्या बात करता है यार, जल्दी से ले लेते हैं हम लोग हमारे चाचा को। और गाइस देख लो भाई के पास सारे के सारे कैरेक्टर अनलॉक है गाइस, क्या बात है, भाई का अकाउंट तो बहुत ज्यादा प्रो निकला, वाह। और यहाँ पर अब चलते हैं जल्दी से इस वाले सेक्शन के अंदर। एंड नाउ हमारे एडम चाचा आ चुके हैं ना, हमारे एडम चाचा आते के साथ कवाल करेंगे। और ये एडम चाचा आप ही हो ना भाई, ये बाहर के सर्वर पे जाने के बाद आप इतना स्कैम क्यों करते हो? ये गलत बात है यार, ये गलत बात है। ओके एटलीस्ट एडम चाचा 10-10 टोकन तो दिला रहे। यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो फ्रेगमेंट्स के साथ 10-10 हम लोग को टोकन ही मिली है। 245 ऑलमोस्ट 50% जो टोकन है हमारा कलेक्ट हो चुका है, एंड 50% और टोकन चाहिए। और अगर 500 टोकन होते होते भी अगर हम लोग ये फिस्ट की स्किन नहीं मिली तो भाई मैं रोने वाला हूँ, लिटरली रोने वाला हूँ। वैसे बंडल तो मिल जाएगी, लेकिन यार फिस्ट की स्किन भी चाहिए यार, बात माना करो गईना वालो, यहाँ पर भी नहीं मिला हम लोग को। अब क्या करते एक स्पिन करते, अब इसी तरीके से मैं 5 बार एक एक स्पिन करने वाला हूँ, एंड एक ही बार 5 की स्पिन करूंगा। चलो देखते क्या होता है, क्या इस बार हम लोग को कुछ मिलेगा या फिर इस बार हमारा लिटरली फुद्दू कटने वाला है। तो आई थिंक सो 3 स्पिन हो चुका है, ये गया 4 स्पिन, एंड ये गया हमारा 5 स्पिन। तो 5 स्पिन हो चुका है एक एक स्पिन करके। एंड नाउ अब मैं लगाने वाला हूँ सीधा 89 के 5 स्पिन, एंड इस बार तो मिलना नहीं चाहिए भाई। ये गलत बात है यार भाई, सीरियसली भाई ये गलत बात है यार, ये फिस्ट की स्किन नहीं मिल रही भाई, ये गलत सीन हो रहा है गाइस, बहुत गलत सीन हो रहा है भाई। फिस्ट की स्किन बहुत ज्यादा है पिकेट, पता नहीं हमारे सर्वर में फिस्ट की स्किन कब अवेलेबल होगी गाइस, मैं बता रहा हूँ जब भी अवेलेबल हो बहुत सही फिस्ट की स्किन है। एक बार मैं एनिमेशन स्किप करके करता हूँ, क्या पता एनिमेशन स्किप करने के ड्यूरेशन में हम लोग को मिला है। चलो देखते क्या होता है, नहीं मिला। और यहाँ पर 500 टोकन भी बहुत जल्द होने वाली है, एंड एक स्पिन में शायद से 500 टोकन भी हो जाएगा। और ये लो गाइस 505 टोकन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को फिस्ट की स्किन नहीं मिली। तो चलो इस वाले बंडल को क्लेम कर लिया जाए, बहुत सही बंडल है।
एंड ये बैकपैक मैं पहली बार देख रहा हूँ यार, ये बैकपैक तो जाकर देखनी पड़ेगी कैसे निकल कर सामने आई है। ये बैकपैक अपन लोगों ने पहली बार देखी है तो शायद से कलेक्शन वाले सेक्शन पे मिलेगी ये बैकपैक। भाई जरा देखो तो लेवल टू पे 30 लग रहा है, 1 पे और 3 पे बहुत सही लग रहा है भाई, बहुत सही बैकपैक भी निकल कर सामने आई है। और जब बंडल अपन लोगों ने निकाला था, चलो फटाक से चलते अदर वाले सेक्शन के अंदर एंड इसको भी फास्ट एक्विप कर लिया जाए। ओके हमारे एडम चाचा क्या लग रहे गाइस, यहाँ से फिस्ट की स्किन तो नहीं निकल पाई बट मे बी यहाँ से हम लोगों को फ्लैग वाली इमोट मिल जाए एंड देखते गाइस यहाँ पर लक ट्राई करके मे बी बाइक अलग कितना अच्छा हो कि हम लोग यहाँ से फ्लैग इमोट मिल जाए। चलो गाइस यहाँ से फ्लैग इमोट या फिर कोई एक अच्छी सी वेपन की स्किन परमिट मिल गई ना मजा आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल चुका है ग्रोजा की स्किन परमिट, नॉट अ बैड डील। और रे बंडल मिल चुका है, अबे देख सकते हो बाइक की स्किन भी मिली है, क्या अकाउंट है बंदे का, सही चल रहा है अभी तक तो। ओके F1 की स्किन भी परमानेंट और गाइस ये सही चल रहा है गाइस, ये बहुत सही इवेंट है भले ही हम लोग को फिस्ट की स्किन परमिट ना मिले हो। और रे भाई यार सीरियसली कितने आइटम परमिट मिलेंगे, बैकपैक की स्किन भी है, पेट की स्किन भी है और वेक्टर की स्किन भी है, टोटल 3 वेपन की स्किन परमिट मिल चुकी है भाई के अकाउंट पे। और यहाँ से अगर इमोट मिल गया ना मजा आ जाएगा, बस लास्ट चांस से इमोट दे दो यार, ये इमोट बहुत परेशान कर रहा है गाइस हमें। बंडल भी मिल चुका है फाइनली, बस एक इमोट बचा हुआ गाइस, 2 स्पिन और एक इमोट बचा हुआ है, क्या इमोट मिल पाएगा अपन लोगों को, आखिरी की लास्ट स्पिन है गाइना वालों, प्लीज इमोट दिला दो प्लीज। नहीं यार इमोट के अलावा लिटरली गाइस सब कुछ मिल चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे इमोट के अलावा लिटरली सब कुछ मिल चुका है। एंड यहाँ पर भाई के अकाउंट पे 2 बंडल, वेक्टर की स्किन, M41 की स्किन, ग्रोजा की स्किन, पता नहीं क्या क्या निकल चुकी है। चलो जल्दी से इन दोनों बंडल्स को भी ओपन कर लिया जाए, ये रहा और ये रहा भाई, लिटरली क्या ही एपिक सा अकाउंट है भाई का, कितने सारे ओपी आइटम निकल गए गाइस भाई के अकाउंट पे। तो यार बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं फ्री फायर में फ्री में डायमंड्स कहां से लेता हूं। गाइस मैं यूज करता हूं विंजो गोल्ड एप्लीकेशन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिंक मिलेगी विंजो गोल्ड एप्लीकेशन के, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को अपनी मोबाइल नंबर रजिस्टर करनी है, उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाया जाएगा, यार देख सकते हो कितने आसान से गेम्स यहां पर अवेलेबल है एंड ये सारे के सारे गेम बिल्कुल फ्री है। एंड इन्हीं सारे फ्री के गेम को खेलकर आप लोग को बस top 3, top 2, top 5, top 10 में आना एंड आप लोग यहां से दिन भर में आराम से 2,000 से 3,000 डायमंड और रियल कैश जीत सकते हो। और हाँ इसी एप्लीकेशन के अंदर आलो कैरेक्टर की गिव अवे, क्रोनो कैरेक्टर की गिव अवे, 10,000 डायमंड की गिव अवे, साथ में इलाइट पास की गिव अवे चलते रहती है। इसके लिए आप लोगों को चले जाना प्रमोशन वाले सेक्शन के अंदर एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किन किन चीजों की गिव अवे चल रही है। इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को कोई भी एक गेम खेलना होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने जितने भी गेम दिखाए इनमें से किसी भी एक गेम को आप लोगों को खेल लेना है एंड यहाँ से आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करके आलो कैरेक्टर, क्रोनो कैरेक्टर फ्री में, इलाइट पास एंड फ्री में 10,000 डायमंड तक जीत सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगी विंजो गोल्ड एप्लीकेशन की, जल्दी से डाउनलोड करो एंड फ्री में इलाइट पास एंड फ्री में 10,000 डायमंड ले लो। यार बंडल तो ओपन कर ली, एक बार पहन के भी देखा जाए हमारे एडम चाचा कैसे लगते हैं इस बंडल पे, ये रहा फास्ट एक्टिव करते हैं। ओके हमारे एडम चाचा बहुत सही लगते हैं यार, चलो फास्ट एक्टिव कर लेते हैं। लेकिन हमारे एडम चाचा काले क्यों है भाई, इसको गोरा करो यार, फेयर एंड लवली दो यार कोई इसको, अच्छा फेयर एंड हैंडसम दो कोई यार इसको, हमारे गोरे वाले आलोक चाचा और ज्यादा खतरनाक। और वेपन की जो स्किन हम लोग को मिली वो भी देख लेते हैं कहां पर होगी, SMG में हम लोग को मिल चुकी है वेक्टर की स्किन। ओके वेक्टर की स्किन भाई के पास नहीं थी, लिटरली भाई देख रहे हो क्या ही एपिक सी वेक्टर की स्किन मिली है। एंड M4A1 के लिए मैं बुरा मान रहा था कि M4A1 की स्किन भाई के पास नहीं है, लेकिन गाइस लेजेंडरी सी M4A1 डबल रेट ऑफ फायर वाली विद एक्यूरेसी के साथ ये भी मिल चुकी है भाई को परमानेंट, भाई और क्या चाहिए ब्रो आपको। नाउ अब आप लोग जानना चाहते हो कि मैं अपने सब्सक्राइबर का अकाउंट कैसे लेता हूं, इसके लिए यार आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करनी होगी एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करनी होगी जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोग कहा, एंड डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगी फेसबुक पेज की, इंस्टाग्राम की, जल्दी से फॉलो कर लो फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को। एंड यार आप लोग देख पा रहे होंगे किसी भी लेटेस्ट पोस्ट को लाइक कर दो या फिर वीडियो को लाइक कर दो एंड उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो अपना नाम और अपने गेम की आईडी। एंड हाँ अगर आप लोग इंडिया के बाहर से हो लाइक नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से, तो आप लोग अपने कंट्री का नाम भी जरूर से जरूर मेंशन करना, बस आप लोग को इतना ही करना है। जल्दी मैं किसी लकी विनर को फिर से सिलेक्ट करूंगा एंड उनके अकाउंट पे ढेर सारे डायमंड ड्रॉप करके वो जो डिमांड करेंगे सब कुछ परचेस करके दे दिए जाएंगे, तो फटाक से पार्टिसिपेट करो।